हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। रियाज मॉम ऑन ड्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से हैप्पी होली एंड होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आए हैं छत पे। ये देखो रियांश आपका क्या कर रहा है। हैप्पी होली, उधर चला उधर। और यहाँ पे डांस मस्ती कर रहे हैं। आज है संडे और आज 27, 28 है कि 29 है? 28 ऑफ मार्च 2021। हेलो, बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली चिल्ड्रन। रियान पानी से होली खेल रहे हो? पानी खत्म? हाँ बाबू जी, बदो ना। पीछे रियान की गार्ड है, पानी भर दो ना पापा। ये देखो भर गई, भर गई, पानी भर रहा, पानी भर रहा है। भर गई बेटा, भर गई। रुको, ढक्कन तो बंद करने दो। नहीं चलाओ, नहीं चलाओ दीवार पे। दीवार पे, हाँ दीवार पे चलाओ। क्या बना रहा रियांश? रियांश को कलर पसंद नहीं है तो वो पानी से ही खेल रहा है। क्या बनाया ये आपने? जे फॉर जग। लग तो नहीं रहा रियांश, जे फॉर जग बनाया आपने। अच्छा, एल फॉर लॉइन बनाओ। एल फॉर लॉइन, हाँ बनाओ। हाँ, स्टार्टिंग लाइन और देन स्लीपिंग लाइन। मैंने ऐसे ही बनाया। ये तो पी फॉर पैरट बन गया है। हाँ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये तो डी फॉर डॉग बन गया। बन नहीं पा रहा ध्यान से। अच्छा रियांश, आपको होली पसंद है? नहीं, मम्मी का दुआ। नो नो रियांश, मम्मी वाली है। नहीं यार, मम्मी को नहीं पसंद है, मतलब फर्स्ट टाइम खेल रहा है, वरना कलर वलर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये देखो बस पानी से खेल रहा है। होली है, कल खेलेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज है 28 ऑफ मार्च। तो अभी चलते नीचे, थोड़ा सा दही बड़े वगैरह बनानी है। दाल वगैरह भिगोती थी, उस सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ मन नहीं कर रहा आज, पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा। तो फिर रियांश अपना खेल रहे हैं छत पे, थोड़ा हवा भी चले। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, होली खेले अच्छे से, सब कुछ करें, लेकिन अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में। और कई कई, आप सभी को पता ही होगा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो चुका है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपना कहीं भी मार्केट जाते भीड़ थोड़ा सा दूर रहें लोगों से, हाथ ना मिलाएं दूर से, जो भी है वो आप करें, जो भी नियम्स हैं वो फॉलो करें। क्योंकि आजकल होली में, होली तो है लेकिन त्यौहार पहले जैसा कुछ नहीं ना, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा दिल्ली में भी बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप लोग मास्क लगा के रखें और सेफ्टी रखें, कहीं भी जाएँ सैनिटाइज अपना साथ लेके जाएँ। आपको बता दें, मेरी सिस्टर गई हुई है होली में, मेरा भी मन था होली में जाने का, लखनऊ। एक्चुअली हमारा जो मायका है वो लखनऊ है, तो बहुत ज़्यादा मन था लखनऊ जाने का, नहीं जा पाए कोरोना की वजह से। हमने कोई भी कहीं भी नहीं गए जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है। और मैं नवंबर 2019 में गई थी घर, मेरे पापा का पैरालाइज अटैक हुआ था तब गई थी नवंबर में, तब से अभी तक नहीं गई। मेरा बहुत मन था लेकिन नहीं जा पाई। और अभी हम लोग जल्दी आप लोग को कहीं हम लोग बाहर क्या दर्शन करने जा रहे हैं कहीं घूमने, तो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में मिल जाएंगे। इसीलिए मैं अपने घर नहीं गई, इसी रीज़न में। मेरी छोटी वाली बहन कानपुर में रहती है, वो वहाँ पे गई हुई है घर अपने, तो मम्मी बहुत मिस कर रही है मैं, और मुझे भी बहुत याद आती है घर की। अभी यही है, लॉन्ग डिस्टेंस है लखनऊ टू दिल्ली, वैसे इतना बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, और बाकी कोई रीज़न नहीं है।
बाकी आप लोग होली बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी है और आज पूर्णमासी के दिन चांद पूरा निकलता है और आज के दिन होली में, तो आपको दिखाती हूँ चांद, मेरी बालकनी से दिख रहा है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। चंद्रमा बहुत सुंदर लग रहा था और ये होलिका दहन का व्लॉग है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा, बहुत शाइन कर रहा था चंद्रमा, तो हमेशा शाइन करता है बट बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं नीचे, नीचे होलिका दहन होता है, भाभी करती है तो इसलिए हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से हैं और मैं लॉकअप करके नीचे जा रही हूँ मास्क मेरे हाथ में। चलिए चलते हैं। मेरी सास है, मतलब घर के पास ही रहती है, आपने देखा होगा ये हमारी नंद जी है, मतलब मामी सास की बेटी। तो वो होलिका दहन वाले दिन होलिका मैया से वहाँ से थोड़ा सा एक होली का जो भी होता है ना उपला टाइप का, वो वहाँ से लेके आते हैं, फिर अपने घर पे ऐसे हमारे वहाँ जलाया जाता है। हमारे ससुराल में ऐसे ही होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम नीचे आई हूँ 7 सालों में, 6 साल बाद मैंने पहली बार इस तरह पूजा वगैरह की। रियांश हैं भैया खड़े, इनकी शॉप है जनरल स्टोर की, मामी जी की, रियांश हैं, बहुत खुश है। मास्क उसने हटा दिया कि घर में ही है सब लोग अपने, तो इसलिए हमने हटा दिया। तो इस तरह पूजा जो आग वहाँ से लाए थे वो कम जल रही थी, तो फिर कागज वागज रख के जलाइए, जैसे थोड़ा सा जलती हुई लाओ, तो जैसे मामी का बेटा लाया था छोटा वाला, उसे इतना पता नहीं था तो कम जली हुई थी, तो बाद में इस पर कागज वागज रख के जलाया तो वो जल गई अच्छे से। फिर अच्छे तरीके से होलिका मैया ने अपने दर्शन दिए, इस तरह हमारे यहाँ पूजा होती ससुराल में। तो फर्स्ट टाइम मैंने 6 साल बाद होली मनाई है, 6 से 7 साल। मामी सास ये जो बैठी हैं, बड़ी मामी सास, ये वाली छोटी मामी सास, तो यहीं पे आए थे क्योंकि बड़े हैं, तो ये इस तरह पूजा होती है हमारे यहाँ। पूड़ी और गुजिया बनाई जाती है छोटी छोटी, और ये जो लोटा है, लोटे में जो पानी पहले ऐसे अर्चन करते हैं, कमैया से प्रार्थना करते हैं, स्वच्छ हेल्दी रहें, खुश रहें। और ये रियांश बैलून लिए हैं, ये इस तरह पूजा होती है। फिर जो आखत होते हैं, मतलब कि गेहूँ की बाली होती है, वो ये है, ये इनका बेटा, बड़ी मामी का बेटा, इसकी देखो और ये जो बाली है, गेहूँ की जो बालियाँ होती है वो आग से भूनते हैं, फिर फेरे लेते हैं 7 बार। और ये बालियाँ इस बार नहीं मिल रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है किसान आंदोलन हो रहा है, और ये जो पानी लोटे में था उसे स्टेज के आँखों पे लगाया जाता है, वो मैंने सूट नहीं किया। होलिका दहन इनका क्लिप है, यहाँ पे जैसे चौराहे पे सभी यहाँ होता है, चौराहे पे होलिका दहन वगैरह किया जाता है, होलिका दहन यहाँ पे हो रहा है। वहीं से एक थोड़ी सी आग लेके घर पर जला जाती है, जिस तरह मैं आपको दिखाया था ना वैसे ही होता है हमारे यहाँ। तो फर्स्ट टाइम हमने किया है 6 साल बाद शादी के, तो फर्स्ट टाइम हमने अपने ससुराल में होली मनाई थी। हमारी मेन मार्केट है, मेन मार्केट का उसमें आप लोगों को पता ही, जैसा कि हमारा घर मेन मार्केट है। अगर आप लोगों को हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, छोटा मोटा, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।